अगर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते बाबा जी, कि जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कुछ तो स्वार्थ होगा जनता के बीच में जाने का। जनता के बीच में स्वार्थ ये है कि आप जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब और आदरणीय उदय भांजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को वोट दें, 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सहयोग दें। और ये जितने आप घोषणा पत्र देख रहे हो इसमें उड़ा साहब जुबान के पक्के हैं, ये हर एक मांग पूरी की जाएगी जनता जनार्दन के लिए। इसमें एक सवाल लिखा हुआ है 300 यूनिट फ्री की जाएगी जी। आज उड़ा साहब ने ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो 300 यूनिट फ्री करने की बात करती है? 10 साल राज किया उड़ा साहब ने, एक दिन भी यूनिट, एक भी यूनिट फ्री नहीं दे सके हरियाणा को, आज क्यों? एक सवाल बनता है। सवाल बनता है आज देखो, समय के अनुसार, समय के अनुसार सबको बदलना पड़ता है। 9.5 साल में प्रदेश नंबर वन था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आज आप जिस विधानसभा में जाओगे, आप किसी भी गांव में जाओगे, आप सवाल करोगे जनता से कि आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, एक ही नाम है जनता के रूप में। हम ये जानना चाहते हैं, जब हरियाणा एक नंबर को नकारा, क्यों हरियाणा की जनता ने? ये जो एक जुमला फेंक दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार ने एक जुमला फेंक दिया कि हम ये करेंगे वो कर, किसानों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे, व्यापारियों के लिए ये करेंगे, और 15-15 लाख रुपए हम किसान उसमें पर बंदे के खाते में डाल लेंगे। 5 साल सरकार को दिए, फिर 10 साल भी उनको मिले हैं, पूरे होने को हैं, लेकिन जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ पाया। और आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जब सत्ता में थे तब ऐसी कोई योजना दिमाग में नहीं आई कि हमें जनता को जोड़ना है, इसका क्या कारण? पत्रकार साहब जी, ये सवाल जो जितने आप बता रहे हो, ये सवाल बड़े नेताओं के बनते हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि प्रदेश सत्र में आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भांजी के वर्कर हैं भाई हम कांग्रेस पार्टी के, और हमारे प्रदेश में हुड्डा साहब काफी जनता जो है उनकी वर्कर है। लेकिन जब एक नेता से जुड़ा हुआ व्यक्ति काम के लिए जाता है, उनके काम नहीं होते, तो मेरे ख्याल में तभी नकारा जाता है नेता को? नहीं, आदरणीय हुड्डा साहब के घर में ऐसा नहीं है। आप किसी भी गांव में जाओगे, आप यहाँ आए हो, आपका स्वागत है, और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम, और आपका भी स्वागत है। आप किसी भी गांव में जाओगे हरियाणा प्रदेश में, किसी भी विधानसभा में, शायद ही कोई अगर राजनीतिक रंजिश रखता होगा, मैं कह नहीं सकता, आदरणीय हुड्डा साहब और उनके पुत्र को कोई बुरा नहीं बता सकता। हम बात करते हैं, जो बोलता है उसके घर ईडी और सीबीआई बैठ जाती है जी। हुड्डा को भी लपेटने की कोशिश में है, हुड्डा साहब नहीं आएंगे लपेटे में, लपेटे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो ऐसी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है? पत्रकार साहब, आपने पहला सवाल पूछा था और उसको मैं रिपीट करूंगा, अभी बीजेपी ने पूरे देश भर के से ले लो आप, भगवान के नाम पे वोट मांग रही है यार, भगवान के नाम पे वोट थोड़ी मांगोगे आप काम के नाम पे वोट मांगोगे। परमात्मा तो सबके हैं, आपके भी हैं सतीश भाई, श्री रामचंद्र भगवान मेरे भी हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी हैं, खट्टर साहब के भी हैं, हुड्डा साहब के भी हैं, सबके हैं श्री रामचंद्र। आज अकेला सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, जो जनता है वो ये कहती है मोदी है तो सब कार्य पूरे हो रहे हैं। कहाँ कहती है जनता? राम मंदिर की बात करती है ये, श्री रामचंद्र भगवान का जो मंदिर की बात आई, देखो अपने आराध्य हैं और श्री रामचंद्र भगवान हमारे भगवान है। पूरे देश की जनता ये मानती है कि मोदी राज में ही राम मंदिर बन पाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कांग्रेस राज में क्यों नहीं, कांग्रेस ने विरोध कब किया? तो मंदिर भी नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, अगर नरेंद्र मोदी ने मंदिर बना दिया कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। श्रीमान जी, सवाल है कि जनता चाहती है राम मंदिर को बनाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी भगवान राम को छत देने वाले हैं, क्या पूरे दुनिया को जो छत देते हैं उन्होंने किसी छत की जरूरत है? श्री रामचंद्र भगवान 14 साल का वनवास काट के लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता के साथ जब अयोध्या आए, सभी देशवासियों ने, अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाए, और जन अभी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने छत दे दी, नहीं, वो हम सबको छत देने वाले हैं, ये छत है श्री रामचंद्र भगवान की है, नरेंद्र मोदी जी ने कोई छत नहीं दी गरीबों, गरीब हाँ नरेंद्र मोदी जी जितने हमारे पूरे भारतवर्ष में गरीब लोग हैं, रेड़ियां लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, कोविड आया लोग सड़कों पे मरे हैं, आप बताओ
बेघर हुए हैं लोग, सड़कों पे मरे हैं। हमारे प्रदेश की मैं बात करूंगा, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, हमारे प्रदेश की बात करूंगा। आदरणीय दीपेंद्र जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, इस पे एक सवाल है हमारा, सेवा की दीपेंद्र जी ने, इस पे एक सवाल है हमारा। देश के अंदर शिक्षा की अगर बात की जाए, स्कूलों में अध्यापक नहीं, हाँ नहीं अभी और हॉस्पिटल में बिल्डिंग नहीं, हॉस्पिटल राम मंदिर की आवश्यकता थी। हॉस्पिटल देखो, श्री रामचंद्र भगवान जी का जो वो है मुद्दा जी, बीजेपी के, मैंने आपको पहले भी बताया, दो मिनट पहले भी मैंने रिपीट की थी बात, बीजेपी के पास कुछ नहीं है गिनाने के लिए जनता के पास। श्री रामचंद्र भगवान के नाम पे वोट ले रहे हैं, और जब इन्होंने जम्मू कश्मीर से 370-35 हटाया, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय हुड्डा साहब ने समर्थन किया था कि जम्मू कश्मीर, धारा 370 से भी हम बात कर लेते हैं, एक बात रहेगी 300 जो अभी आप श्री रामचंद्र भगवान की बारे बात कर रहे थे मंदिर के बारे में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर दो, मशीनें दो, ताकि दूर दूर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोगों को, गरीब जनता को जाना, पैसे वाला कोई भी है वो बड़ी गाड़ी लेकर के दिल्ली चला जाएगा, गुड़गांव चला जाएगा, हिसार चला जाएगा, जो अभी ये हमारा एरिया है, ये गरीब लोग कहां जाएंगे बताओ आप। हॉस्पिटल में रही श्री रामचंद्र भगवान की बात, तो देखो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, माता सीता के चरणों में बार बार प्रणाम, वो हम सबके भगवान है, उनके बारे में क्या कहना है, वो तो परमात्मा है, सवाल ये है, सबके पालन आ रहे हैं श्री रामचंद्र बाबू में, हमने सबने पढ़ी है। बाबा जी आपने कहां से पढ़े हो? मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से बीए बीएड हूं। हां जी, तो मैं आपको, हाँ वो आपने बात रख दी एक, वो मंदिरों में भिखारी पैदा होते हैं, आपने बात कही, मंदिरों में भिखारी की बात नहीं है पत्रकार सतीश भाई, मंदिर हमारी अलग आस्था है, परमा बीजेपी सनातनी थोड़ी है, पूरा भारतवर्ष सनातनी।